नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल दी विलेज फार्मिंग में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसान भाई फसलों में स्प्रे करते समय जो चिपको मिलाते हैं उसका क्या फ़ायदा है, और इसका दोस्तों हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे कि क्या रिज़ल्ट मिलता है और क्या फ़ायदे हैं और ना मिलाने के क्या नुकसान हो सकते हैं किसान भाई के। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं कि चिपको कैसे काम करता है। तो अभी दोस्तों हम इल्ली का स्प्रे कर रहे हैं, वाइगा का बायर का प्रोडक्ट है ये, और इसमें दोस्तों हमने चिपको मिलाया है। तो दोस्तों, चिपको मिलाने का जो फ़ायदा है बहुत ही ज़्यादा है किसान भाई को, क्योंकि दोस्तों चिपको जो होता है एक तरह से दवा को जो फैलाने का काम करता है। अगर आप मान लीजिए किसी भी हर्बिसाइड या इंसेक्टिसाइड किसी भी स्प्रे में आप चिपको मिला सकते हैं, और चिपको ज़रूर मिलाएं किसान भाइयों, क्योंकि चिपको मिलाने से दोस्तों आपकी जो है 20 से 25% दवा जो है कम डालें आप तो भी उसका रिज़ल्ट उतना ही मिलेगा, मतलब 25% और उसका रिज़ल्ट बढ़ा देता है फैला करके। तो इसको चलिए थोड़ा सा लाइव आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं किस तरह से चिपको काम करता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देख सकते हैं हमारे पास कुछ पत्तियाँ हैं, सोयाबीन की पत्ती और ये मक्का की। तो इसमें दोस्तों हम एक तरफ नॉर्मल पानी डालते हैं, यहाँ पर दोस्तों हमने डाला है नॉर्मल पानी ये, और थोड़ा सा इस पर डालते हैं सोयाबीन की पत्ती पर। और अब दोस्तों हमने इस ढक्कन में लिया है थोड़ा सा चिपको, तो इसके साथ पानी के साथ इसको मिलाते हैं, तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है। तो यहाँ पर हमने दोस्तों पानी डाला था, तो इसके साथ चिपको मिलाते ही आप देख सकते हैं किस तरह से ये फैल गया। और वहीं बात करें हम इसकी सोयाबीन की पत्ती पर, तो इसके साथ ही चिपको संपर्क में आते ही देख सकते हैं आप किस तरह से ये फैल जाता है पूरे पत्ते पे। और साथ ही दोस्तों इसमें देखेंगे आप अब तो इस पत्ती के नीचे की तरफ भी गीला हो चुका है, तो यानी कि जो चिपको होता है एक तरह से पत्ती के ऊपर और नीचे दोनों तरह से काम करता है, मतलब कोई भी खरपतवार हो तो उसको दोनों साइड से कवर कर लेता है, जिससे कि और भी अच्छे से आपका स्प्रे काम करेगा। और इसके साथ ही दोस्तों चिपको मिलाने का एक और फ़ायदा यह रहता है कि इसमें जब भी आप चिपको मिलाते हैं तो इसमें दोस्तों पत्ती के ऊपर हल्की सी एक छोटी परत बना देता है चिपको, जिससे कि तेज़ धूप पड़ने पर भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, या फिर स्प्रे करने के बाद अगर तेज़ बरसात हो जाए तो भी उसमें पानी से ये धुलता नहीं है। तो चिपको का ये भी बहुत ही बड़ा काम है इसमें। तो चिपको का आप देख सकते हैं रिज़ल्ट काफ़ी शानदार है। अगर चिपको आप नहीं मिलाते हैं तो जो पानी का स्प्रे आप करेंगे किसी भी दवा का डाल के, तो वो पत्ती पर ऊपर ही रहेगा, यानी कि वो फैलेगा नहीं। और अगर आप चिपको की बोतल को लेके देखेंगे तो इसके ऊपर लिखा रहता है कि यानी कि ये जो है दवा को, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इस पर स्पष्ट लिखा है 20 से 25% कम प्रयोग करने में मदद करता है, मतलब 20 से 25% अगर आप कम दवा डालते हैं, यानी कि एक किसी भी टंकी में आप 20-25 ml डाल रहे हैं, तो उसकी बजाय आप 20 ml में उसका काम चला सकते हैं, मतलब 20 ml में भी उतना ही काम करेगा अगर आज साथ में आप उसके चिपको डाल रहे हैं। और अभी दोस्तों आप देख सकते हैं उस साइड जो है मक्का में हम स्प्रे करवा रहे हैं इल्ली का। और मक्का की फसल में क्या होता है, इल्ली दोस्तों जो है पौधे के ऊपरी अंदर भाग में रहती है, तो अंदरूनी भाग में, तो वहाँ तक दोस्तों अगर आप बिना चिपको मिलाए स्प्रे करवाते हैं तो उसका आपको 50% भी नहीं मिलेगा, और इसके साथ अगर आप चिपको मिलाते हैं तो 100% आपको रिज़ल्ट बेहतर मिलेगा। तो यही दोस्तों चिपको मिलाने का फ़ायदा है। और कैसी लगी दोस्तों आज की इस वीडियो में जानकारी, और जानकारी अच्छी हुई लगी हो तो इसको अन्य किसान साथियों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।